यहाँ आपको बताएंगे बावलपुर के सराय चोलिस्तान में जीप रैली का रंगारंग मेला जारी है। रैली में प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। जीप रैली देखने के लिए हजारों की तादाद में सयाहों ने चोलिस्तान का रुख कर लिया है। चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरहला मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में 37 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फराटे भर्ती गाड़ियों ने सराय चोलिस्तान को चीरते हुए 231 किलोमीटर का फासला तय किया। शायकीन बहुत बड़ी तादाद में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे और अपने पसंदीदा रेसर को सपोर्ट किया। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड मरहले का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। गैर हतमी नतज के मुताबिक कैटेगरी ए में जैन महमूद पहले, नादर मगस्सी दूसरे और आसिफ फजल चौधरी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। जैन महमूद ने 231 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 51 मिनट 10 सेकंड में तय किया। नादर मगस्सी 1 घंटा 54 मिनट 3 सेकंड जबकि आसिफ फजल चौधरी 1 घंटा 58 मिनट 42 सेकंड में मुकर्रा फासला तय कर सके। फैसल शादी खेल चोलिस्तान जीप रैली के टाइटल का दिफा करने में नाकाम रहे। चोलिस्तान जीप रैली 2023 के फाते फैसल शादी खेल की गाड़ी रेस के दौरान खराब हो गई। उनकी गाड़ी 50 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद टेक्निकल फॉल्ट का शिकार हुई। इस तरह वो 19वीं चोलिस्तान जीप रैली से बाहर हो गए। जीप रैली में 24 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी जबकि 25 को प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल मुकाबले मुनाकिद होंगे। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।